ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर में मंदिर के अंदर चल रहा समाज कल्याण विभाग का स्कूल। बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर के भीड़ क्षेत्र सर मोहम्मद गढ़ का है, जहां कई सालों से समाज कल्याण विभाग का एक स्कूल मंदिर में चल रहा है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। आपको बता दें कि गाँव के गरीब बच्चे बिना बिल्डिंग के गाँव के ही मंदिर में पढ़ने को मजबूर है, जो कि बिना किसी वजह के कड़ी धूप, गर्मी, बारिश समेत सर्दी की मार झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग सन 1950 में बनी थी। काफी समय बीत जाने के कारण स्कूल की बिल्डिंग पिछले 10 सालों में से जर्जर हालत में है, जो कि कभी भी धराशायी हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्कूल में 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नाम? रजत। कौन सा गांव है? शायद मोहम्मदपुरगढ़। स्कूल कौन सा है? अनुपुर आत्मिक। क्या दिक्कत है यहाँ पर? हमारा स्कूल टूट गया था, हमें बैठने में दिक्कत होती है, हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। कहाँ पढ़ रहे हो इस टाइम? कहाँ पढ़ रहे हो? मंदिर में। कितने साल से पढ़ रहे हो आप? 10-12 साल। कौन सा गांव है ये? स्कूल की क्या समस्या है? हमारी बिल्डिंग टूट गई है, हमारा स्कूल नहीं है, इसी मारो हम मंदिर में पढ़ते हैं। आपको इस साल ड्रेस वगैरह, जूते वगैरह मिले? नहीं, किताबें मिली है, जूते नहीं मिले, नहीं ड्रेस मिली है, किताबें मिली है। क्या क्या दिक्कत आती है यहाँ पर? यहाँ से बहुत दूर उड़ती है और बारिश भी आती है, यहाँ से सांस फूंक बिगड़ जाता है। तो है ही नहीं हमारे आगे, ये टूटा फूटा स्कूल पड़ा और कई साल से टूटा पड़ा, 10-15 साल हो गए फिर टूटे हुए स्कूल को, और हमारे बच्चे कहीं कहीं पढ़ने जावा, यहाँ से यहाँ स्कूल खोल रखा, ये इसमें माटी के बाड़ में पढ़े बच्चे बैठ कर, और कहीं सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ से। यहाँ प्रधान को कहा, प्रधान भी एप्लीकेशन भेज रखी, एप्लीकेशन भेज रखी, कहाँ भेज रखी एप्लीकेशन, ये बच्चे बरान है, ये कहीं की पढ़ाई है यहाँ से। यहाँ मास्टर आते हैं? मास्टर आवे तो वहाँ से पढ़ावा मंदिर पर। कितने मास्टर हैं? मास्टर तो दो हैं यहाँ, एक मास्टर है, एक है वो एक गांव का आदमी, हाँ एक गांव का है वो, और बस बैठे ने थोड़ी बहुत ही देर को बैठे हैं, खाना खुना खाना बनावा 2-3 जनिया, और बस खाना खा कर फिर अपना छुट्टी करके चले जाऊँ। स्कूल बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए जी, स्कूल भी जरूरी। तो क्या दिक्कत आती है बच्चों को? दिक्कत सारी दिक्कत है, न तो यहाँ पानी है स्कूल में, न यहाँ सुविधा कोई बैठने की है, न कोई स्कूल है, न कुछ है, बताओ वहाँ से मंदिर पे और कहाँ पूजा करने जाऊँ, वहाँ से हम इसी अपने जातों को बैठा दें पढ़ने के लिए। आपका नाम? जी नारायण सिंह। आप कौन सा गाँव है? शाहपुरवास। क्या समस्या है स्कूल की? इस स्कूल में ही बिल्डिंग नहीं है और टीचर भी एक ही है, उनके यहाँ भी एक आज मौत से हो गई, वह आ नहीं पाए। बिल्डिंग कितने दिन से नहीं है? 200 साल हो गई। तो फिर ये स्कूल कहाँ चल रहा है? मंदिर में चल रहा है जी। इसमें क्या क्या समस्या है? एक तो ड्रेस, बच्चों के इस साल ड्रेस नहीं आई, जूते नहीं मिलते हैं जी, बहुत कम मिलते हैं, और किताबें तो मिलती हैं, बैठने की सुविधा नहीं है। तो बच्चे बता रहे थे कि यहाँ से अगर बारिश बूंद हो सांप वगैरह भी आ जाते हैं आप? हाँ जी, वो बारिश भी बहुत तेज हो जाए, छुट्टी करनी पड़ जाती है बच्चों की। लगभग कितने बच्चे होंगे यहाँ? 90। और आपका नाम? मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शायद मोहम्मदपुर से राजकुमार। आपके यहाँ कल्याण विभाग का स्कूल है, क्या मामला है इसका? सर हमारे यहाँ समाज कल्याण का एक हरिजन समाज कल्याण की तरफ से पाठशाला बनी थी, लगभग हो गए 50-60 साल के आसपास की बात है, आज तक कोई बिल्डिंग उसकी बहुत हालत खराब है, बच्चों जो है ना धूप में बैठते हैं, ना कोई शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर, ना किसी खाना बनाने की व्यवस्था है, बच्चे बीमारी होते हैं धूप प्यास, मतलब कुल मिला के ये हमने बहुत कोशिश करी है, समाज कल्याण अधिकारी पास भी गए हम, डीसी साहब के पास भी गया, मैं खुद ही में गया, कहीं फिर हमने कोशिश करी मिलने के लिए। हम ये कहते हैं कि समाज कल्याण के हमारे पास कोई बजट नहीं है, सिर्फ हम ड्रेस दे सकते हैं
ओनली हम किताबें से, तो उसके पास हम कुछ और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमने एक दो फिर टीचर की व्यवस्था मांग रही, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये समाज कल्याण का स्कूल है, इसके लिए हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। कितने बच्चे हैं हमारे में? 130 बच्चे हैं सर। पहले 250 बच्चे, पहले 200 बच्चे, पहले साल हर साल बढ़ते हैं, लेकिन इसलिए उस कारण है ना, मतलब सरकार तो ये कहती है कि हर बार की सर्व शिक्षा सब समाज पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हमारा एक एससी समाज होने के नाते इस स्कूल में क्या बीजेपी सरकार को एससी समाज से कहती है कि हम इससे लगाव करते हैं? क्या इसके लिए कोई बिल्डिंग नहीं दे सकते एससी समाज के लिए? क्या पूरा गांव एससी समाज, एससी समाज के लिए? आप बता रहे थे आपने जो है डीएम साहब को, डीएम साहब को मैं मिला हूँ, बीएसए साहब को मिला हूँ, मैंने जहाँ भी मैंने, बल्कि हमारे धर्म सिंह जी वो रहे हुए हैं, हम उनके यहाँ भी गए एक दो थे, उन्होंने यही बता रहे इसके लिए कोई बजट नहीं है। आप बता रहे बीएसए साहब की बोलचाल भी हो गई थी? बीएसए साहब को मैं खुद मिला हूँ, बीएसए साहब मैंने एक फ्री, बल्कि मैं ग्राम प्रधान होने नाते में फिर उसकी बिल्डिंग कराने का सोचा था, मैं उसकी बाउंड्री करा दूँ, हमने मांगा एक फ्री चिट्ठी लिख के दे दो, मैंने कहा हम चिट्ठी नहीं लिख के दे सकते हैं, आप पैसा लगाओ या ना लगाओ, उन्होंने मैं बिल्कुल मना कर दिया। क्या योगी सरकार को आप कह रहे थे कि योगी सरकार कहती थी सर्व शिक्षा सर्व सब करती, लेकिन हमें तो कुछ दिखता नहीं, हमें तो बिल्कुल वही डाल के तो पत्ते दिखते हैं भाई, हमारे तो कोई व्यवस्था, हमारे बच्चे तो धूम में बेचारे एक पीपल के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं, मंदिर में व्यवस्था करा रखी बच्चों के लिए, और कोई व्यवस्था नहीं है, टाट पट्टी भी ढंग से नहीं है, 200 बच्चों के पास एक मास्टर होना भी बहुत मतलब वो भी अच्छी बात नहीं है, कम से कम हमने एक गांव की तरफ से एक लड़का लगा रखा, सभी गाँव वाले में सहयोग करते हैं, पैसे इकट्ठे करके जाकर उस बच्चे को पैसे देते हैं। जी मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और इस चीज़ के लिए ये चूंकि बड़ा गंभीर प्रकरण है, जल्दी सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको बीएसए को पर्सनली बोल दिया गया है कि वो जाकर किसका विजिट करें, इंस्पेक्शन करने के बाद यदि वहाँ ग्राम निधि में पैसा है तो ग्राम निधि के माध्यम से, नहीं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसे के द्वारा व्यवस्था करके कैसे भी करके उसको हम बहुत जल्दी ही सीधा से सीधे बनवाने की कोशिश करेंगे। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत।